नागिन को नीचे। मुंह में माँ काली का नाम और बगल में ये काले काले कारनामे। बाहर तेरी माया, बाहर तेरी काया, देख तेरी मयूरी। क्या सोचा था तूने और क्या निकली है? एक पिद्दी सी मोरनी। तू चोरनी और ये मोरनी, देख इस बेवकूफ ने क्या किया। आज अर्ध चंद्र योग है। आज के दिन नागों का वंश नीम की पूजा करता है। नीम तेरे लिए कड़वा है लेकिन हमारे लिए मीठा। नीम हमारा अभिमान है, हमारा वरदान है। आज के दिन नीम की पूजा करने से नागों की शक्तियां दुगनी हो जाती है। और देख इस मूरख ने क्या किया, हमारी शक्ति हमारी नीम से ही मुझे बांध दिया। कभी कभी तो सोचती हूँ कि तू चल रही है या तेरी हड्डियां उछल रही है। डर गई? भाग गुरुमा, भाग। मैं भी तो देखूं तेरा दिमाग ज्यादा तेज चलता है या फिर तेरे पैर। आ रही हूं मैं। मार नहीं सकते, मुझे मारना चाहते हो ना? आओ, डसो, डसो मुझे नागे। हम तुझे डस नहीं सकते। तुझे क्या लगा नागिन सिर्फ डसके मारती है? नहीं, हमारी मार के हमारे वार के और भी कई अंदाज हैं। देख ले नागिन का ये वार भी देख ले। तुझे क्या लगा तुझे इंद्रदेव का वरदान है तो हमें भी हमारे इष्ट देव शिव जी पर अभिमान है। जब भी हमारा कोई दुश्मन आता है, गलत इरादे से आता है तो वो भी आते हैं, किसी रूप में आते हैं, किसी भक्ति में आते हैं, किसी शक्ति में आते हैं, स्वयं शिव जी आते हैं। शिव कहाँ नहीं है, पीपल में शिव, गंगा जल में शिव, शिवलिंग में शिव, शिवालय में शिव, बीज में शिव, बीज मंत्र में शिव,
जड़ी बूटियों में से, नीम की पत्तियों में से, नागिन की भक्ति में से, नागिन की शक्ति में से तूने शेषा को मृत्यु देने के लिए ये सेज सजाई थी ना, अब इसी सैया पर तेरी मृत्यु की सेज सजेगी, इसी सैया पर तेरी चिता जलेगी। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। मुझे यहाँ से निकलना होगा। वातम मेरे माली, आज तो बड़े मूड में है यार तू। अच्छा सुन ना, वो वाला फूल मेरे को भी देना। वो इट्स फॉर समवन स्पेशल यू नो। अब देना और हाथ साफ कर लेना, ये मिट्टी वाला हाथ नहीं चाहिए मुझे। हाँ हाँ हाँ। क्या बात है? पापा, आप माली? मतलब माली में आप? पापा हम लोग अमीर नहीं रहे क्या? ऐसा कुछ नहीं है पगले, आपका फूल हम लोग अमीर नहीं रहे क्या? नहीं बेटा। हट बुड्ढे माली। पापा पापा बुड्ढा माली। अरे यार सुना, ये सुबह सुबह मुझे बिना पिए चढ़ गई है, मतलब मुझे माली में मेरा भाग नजर आ रहा है या मेरे बापू में माली? यार पीना बस पीती रहती हूँ। अच्छा सुनो ना, एक बात पूछनी थी मुझे ना, आज सुबह से मेरे दो दो बाप नजर आ रहे हैं, एक तो माली दी और दूसरा कौन? रुको डैड, क्या मतलब आज कोई सरप्राइज देना है आपको या कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन है? ऐसा क्यों? कंपटीशन खत्म हो गया रे पगले, पता है मेरी माँ ने मुझे इन्हीं ड्रेस में पसंद किया था और इसी ड्रेस में शादी के लिए प्रपोज किया था। ये बुड्ढा अपनी असली औकात दिखा के मेरी असलियत शिवन्या के सामने ना लाए। सो स्वीट, रियली मम्मा? पापा? हाँ बेटा, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैंने तुम लोगों से कहा था ना कि तुम्हारे पापा बहुत मेहनती है, अब देखो अपनी मेहनत की वजह से कहाँ तक पहुंच गए। पहुंच गए ना? अब ज्यादा पहुंचने की, अब मेरा मतलब है अब छोड़ो ना पुरानी बातों को। कैसे छोड़ दूं यामिनी जी, कैसे छोड़ दूं? आपने ही कहा था ना कि आदमी को अपनी औकात कभी नहीं भूलनी चाहिए। आदमी को अपना अतीत हमेशा अपने साथ में लेके चलना चाहिए। कहा था ना। अब आपको भी चलना पड़ेगा, याद है ना अंकित जी, आपकी एक जरूरी मीटिंग है, भूल गए? हाँ, उसके लिए तो फिर मुझे तैयार होना पड़ेगा। अच्छा किया जो आपने मुझे याद दिला दिया कि मैं माली के अलावा भी और कुछ हूँ, है ना? है ना? जिला टॉप लागे लू कमर। मॉम एंड डैड कितने क्यूट है ना टुगेदर। हैप्पी फैमिली। क्या बात है माली काका, मुझे तो पता ही नहीं चला कि ये। चुप। ये अंकुश रहेजा को हो क्या गया है? इतनी अजीब अजीब हरकतें क्यों कर रहा है? ये तुम हमेशा आधे आधे कपड़ों में क्यों बाहर आ जाते हो? तुम हमेशा पूरी की पूरी मेरे सामने खड़ी क्यों रह जाती हो? मुझे आधा अधूरा देखने के लिए? ठीक है मैं जाती हूँ। क्या कर रहे हो? कुछ पूछना है। क्या? कैसे आई? बहुत बुरी। क्यों, बुरे बुरे सपने देखे क्या?
बुरे सपने तो तुम देख रहे थे, पता नहीं कुछ कह रहे थे, मार भगाया, ऐसा क्या देख रहे थे? शिवन्या, मैंने अपने आप को फिर उसी शाही लिबास में देखा, एक राजा की तरह, किसी से युद्ध कर रहा था, पर पता नहीं किससे, बहुत अजीब था। मैं चेंज करके आता हूँ। अब तुम्हें कैसे बताओ ऋतिक, तुम जिसे सपने में देखते हो शाही लिबास में, वो तुम नहीं, तुम्हारे पिता है। पता नहीं कहाँ होंगे वो इस वक्त। सिलौरी बिना चटनी कैसे बनी, सिलौरी बिना चटनी कैसे बनी, रमा कैसे बनी, सिलौरी बिना चटनी कैसे बनी, सिलौरी बिना चटनी चटनी कैसे बनती है बताओ तुझे? ये क्या मजाक है हा? मौली के कपड़ों में बच्चों के सामने आने की क्या जरूरत थी? और तूने अभी तक अपने कपड़े क्यों नहीं बदले? मैं बताता हूँ आपको, क्या है कि आपने मुझसे बोला था ना कि अपनी औकात में रहना और चारों तरफ माली की तस्वीर लगा दो, तो मैंने सोचा इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है, खुद ही माली बन जाता हूँ, तो आपकी बात भी याद रहेगी और अपनी औकात भी याद रहेगी। तो चाहता क्या है, क्यों कर रहा है ये ड्रामा? अब आई है ना पॉइंट पे, मैं बताता हूँ कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। याद है ना राजकुमारी जी, वो पांचवा इंसान मैंने ही आपको बनाया है, हम चारों ने ही आपको हाथ दिया है, क्योंकि आपको नागमणि चाहिए थी ना। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि मेरे बिना आप कुछ नहीं कर पाती, आपके आगे भी मैं हूं, आपके पीछे भी मैं हूं, तो जरा ये बेइज्जती करना बंद कर दीजिए। इज्जत दीजिए, इज्जत लीजिए।